असलमैकम जी वेलकम बैक टू मेमरीज लेन तो आज हम लोग एक और नया सूट अनबॉक्स करते हैं जो कि है सफायर से और बेसिकली इट इज़ अ गिफ्ट सो इसको अनबॉक्स करते हैं इसका भी रिव्यू देते हैं इट इज़ टू पीस और खदर का फैब्रिक है बहुत ही खूबसूरत ये कलर है और इस तरह का कलर मैंने कभी ख़ुद के लिए बाय नहीं किया है बट आई होप सो कि बहुत ही आफ्टर स्टिचिंग रिसेंट लगेगा और जैसे ही स्टिच होकर आएगा उसकी भी वीडियो शेयर करूँगी क्योंकि इस तरह की डिस्प्ले पिक्चर के हिसाब से नहीं मैंने करवाया उसको स्टिच वो थोड़ा सा डिफरेंट है सो so, ये है जी इसका टू पीस कलेक्शन फ्रॉम सफायर और इसका प्रिंट जो है काफ़ी अच्छा था वाइब्रेंट सा है और काफ़ी डिसेंट सा ये ग्रीन कलर है बहुत चुपताबा नहीं है बहुत विंटर कलेक्शन के हिसाब से और इसका ये जो बॉर्डर है ये भी बहुत मुझे अच्छा लगा था जो सा है पूरे रिदम में है तो बहुत एलिगेंट ये एक अच्छा है यानी कि फ्लोरल प्रिंट है लेकिन इसका जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है यानी वो ज़्यादा उठेगा सो so, मैंने इसको ज़रा लॉन्ग फ्रॉक स्टिच करवाना है और उसके नीचे ये बॉर्डर आएगा किस तरह से वो लुक आएगी वो भी दिखाऊंगी सो so, सफ़ायर का ये जो आप देखते हो प्लेन जो ट्राउज़र का पीस होता है वो हमेशा से ही खूबसूरत एंड नफीस होता है तो ये लाइनिंग एज़ यूजल इज़ माई फेवरेट सो बहुत ही सॉफ्ट और हेवी फैब्रिक है यानी कि बहुत सर्दी में भी ये काफ़ी अच्छा इनका फैब्रिक रहता है अच्छा जी इसकी जो शर्ट है वो तीन मीटर की है यानी आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और ट्राउज़र जो है टू पॉइंट फाइव मीटर का है तो बहुत खुला डुला कपड़ा होता है फ़ायर का इसकी यही बात है कि आप कुछ प्राइस कम देख के आप लोग ले लेते हैं कपड़ा लेकिन उसका जो फैब्रिक है वो यूज़ ही नहीं किया जा सकता किसी भी स्टिचिंग स्टाइल में तो मैं इसके साथ ब्लैक दुबट्टा पेयर करूँगी और बहुत ही इसको रश नहीं लगाएंगे ना ही इसके ऊपर लेसिस लगाएंगे बिल्कुल प्लेन इसी प्रिंट को कैरी करेंगे और स्टिचिंग के बाद उसकी लुक कैसे आएगी वो भी बताऊँगी और इसकी जो प्राइस थी इट वॉज़ अबाउट 2600.